सर एक होर नोटिस जारी किया गया कटारू चुकण मामले च की है कि यह नोटिस असी नोटिस नहीं जारी किया हूँ हीयरिंग वास्ते असी जारी किया है क्योंकि जी सिट की रिपोर्ट आई है उसने अपने रिपोर्ट के बाकी दसन तो उन्होंने की कार्रवाई करते रहे पर उन्होंने ये दसिया कि भी पटिशनर जब बुलाया तो उन्हें अपनी स्टेटमेंट दी कि मैं अपनी कार्रवाई नहीं करवाना चाहता मुख्य रूप से तो यही है कि वो जो पटिशनर ने कहा है कि पर यह स्टेटमेंट सानू पुलिस ने दी है क्योंकि उन्हें एक कंप्लेट जी आयोग के कमीशन से दी सी सो जी पुलिस ने की स्टेटमेंट दी है वो स्टेटमेंट उन्होंने उत्थे ऑफिस जाने के देनी होंगी है कि पुलिस की कार्रवाई तो उनकी रिपोर्ट आनी चाहिए सी ना कि वो स्टेटमेंट सो असी उन्होंने कहा कि भी इतने हाजिर हो और पुलिस ने भी कहा कि सरकार ने कहा है कि अपनी जी केस की डायरी है जो भी तुम हाले तक किया वो लैके और नाल नाल पटिशनर भी बुलाया वो अपनी गल जी आके रखे थे और कार्रवाई करना चाहता नहीं चाहता वो कमीशन दे अगे आके ही वो दसेगा ता ही असं अगली गल करेंगे पर क्योंकि उस व्यक्ति ने कंप्लेट जी है व्यक्तिगत रूप से उत्थे कमीशन जाके हुई और पुलिस की रिपोर्ट जी असी नहीं मानते क्योंकि जिन्ना चेर व्यक्तिगत अपने रूप से नहीं आता पुलिस ने अपनी रिपोर्ट दी वो कह सकते हैं कि वो वेरीफाई करने के लिए भी और स्टेटमेंट जी उसे अपने आयोग से रिकॉर्ड करेंगे और पुलिस को भी असं कहा कि जिन्नी भी हाले तक कार्रवाई की सारी केस डायरी लैके जी उ दिल्ली साढ़े 31 जुलाई में उन्होंने बुलाया सर यह भी गल कही जाती कहते कंप्लेटेंट ने कंप्लेट वापस ले ली हूँ तो सर एक राजनीति की जा रही तो मैं पहले ये दसिया तुम शायद पूरा सुनया नहीं कि भी कंप्लेटेंट ने कंप्लेट कितने की पुलिस ने तो की नहीं कंप्लेट की है कमीशन च पर कमीशन दे विच जिहड़ी है कार्रवाई तो कमीशन के नोटिस से ही अगे सिट बनी है कमीशन के नोटिस के उत्ते बाकी कार्रवाई हो रही है तो व्यक्ति कार्रवाई करनी चाहता है कि नहीं चाहता वो कितने कहेगा जिथे उन्हें कंप्लेट की है सो इस करके 31 जुलाई में उन्होंने उत्थे बुलाया बाकी कमीशन का काम कोई राजनीति करना नहीं जो केस साढ़े को केस आता वह सुनना साम अमलेतारा करना साढ़ा